अभी आप लोग से उनके श्री रामाशंकर साहब जी के सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि शील बंत सबसे बड़ो सब रत्नों की खान, तीन लोग की संपदा रही शील में आ। शील बंत सबसे बड़ा है इस संसार में, इस जगत में शील वाला व्यक्ति सबसे बड़ा है, जिसके पास शील है। और शील शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं, शब्दकोश के अनुसार कहीं उसका सरलता भी अर्थ है, सहजता भी अर्थ है, और उसका व्यापक अर्थ चरित्र भी है। और वास्तविक बात यही है, और जिस अर्थ की मैं अभी चर्चा करूं, सबसे पहले मनुष्य के जीवन में चरित्र की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति अगर चरित्रवान बने, समाज में हर एक व्यक्ति अगर चरित्रवान बन जाए, तो समाज की स्थिति बदल सकती है। आज समाज में दूषित विचार हैं, आज समाज की जो स्थिति है, इसके मूल में कहीं ना कहीं हमारा चरित्र है। आज आदमी के पास सब कुछ है, आज आदमी के पास धन भी है, आदमी के पास संपदाएं भी हैं, सारा वैभव होते हुए भी आज आदमी का चरित्र खोटा जा रहा है। वेद के ऋषि ने कहा कि आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान चरित्रवान पुरुषों को हम जाने, उनके अनुसार हम आचरण करें, उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिए। हमारी कोई आचार संहिता हो, हमारे जीवन में कोई आचार व्यवहार हो, आचार का ज्ञान है इंसान। सूर्य और चांद भी, तारे भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आज बदला है तो आदमी की नियत बदली है, आदमी का जीवन जीने का ढंग बदला है, आदमी का संस्कार बदला है। आज हमारे पास संस्कार नहीं है, हमारे पास चरित्र नहीं है, इसके मूल में कोई कारण है, तो हमारे जीवन में सही शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाता है। हम सही से अपने जीवन को शिक्षित तो नहीं कर पाते हैं, शिक्षा के एक पक्ष को अपने जीवन में धारण करते हैं और दूसरा पक्ष जो चरित्र का पक्ष है वो हम भूल जाते हैं। जो परंपराएं पहली थी, गुरुकुल की परंपराएं, पहले लोग गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन करते थे और शिक्षा के साथ साथ उसके जीवन में चरित्र भी आता था, उसके जीवन में संस्कार भी आते थे, उनके जीवन में नैतिकता भी आती थी। आज हमारे पास तो ज्ञान है, किसी ने बड़ा ही अच्छा कहा, कालिदास ने कहा था कि सृष्टा क्रिया कश्चिदात्म संस्था संकांति रनस्य विशेष युक्ता यस्यो भयं स साधु शिक्षकानां धूरी प्रतिष्ठा पैतव्य एव। कहा कि सृष्टा क्रिया कश्चिदात्म संस्था, किसी व्यक्ति की विशेष पद रचना करने में कोई व्यक्ति माहिर है, अच्छे अच्छे पदों की रचना कर लेता है, श्रेष्ठ पदों की रचना कर लेता है, का समाज में वो शिक्षक नहीं है। पास वाक शक्ति है, बोलने की कला है, अच्छा बोल लेता है, का कि शिक्षक वही है जिसके जीवन में चरित्र और संस्कार हो, जो समाज के बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके, उसको सही से। खगोल भूगोल की दुनिया की बात तो हम जानते हैं, उनको तो हम जानते हैं, लेकिन आज जो हमारा नैतिक स्तर गिरता जा रहा है, उसके मूल में सही बोध के कारण, सही विचार के कारण। हम सभी लोग महापुरुषों के पास जाएं, उनके सानिध्य में, उनके साहचर्य में, उनका साहचर्य लेकर के हम उनसे कुछ सीखें। सीखने की प्रवृत्ति जब तक नहीं होगी, जब तक श्रेष्ठ महापुरुषों का संसर्ग नहीं करेंगे, तब तक हमारा चरित्र विशाल नहीं हो सकता है। एक प्रसंग में इससे संबंधित आप लोगों को सुनाऊं। भगवान व्यास, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, उनके एक पुत्र, एक ही पुत्र सुखदेव, बहुत बड़ा ज्ञानी,
ज्ञान की प्रकाष्ठा को छू लिया, जो सब कुछ जानता था। और जब जन्म लिया, जन्म के थोड़े ही दिन बाद लोकोक्ति है कि गर्भ में ही बहुत दिन तक रह गए वो, और गर्भ से निकलते ही वो जंगल की ओर चले गए। ये काल्पनिक बातें हैं। वो जब कुछ दिन के बाद जब चले गए, जब उनको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा, आदमी अपने संस्कारों के अनुरूप जीवन जीता है। कुछ प्रारब्ध संस्कार हमारे जीवन में होते हैं, उन संस्कार के अनुरूप हम जीवन जीते हैं। वो जंगल की ओर चले गए और जंगल में गए, वहां कुटी बना लिए, पर्ण कुटी बना करके रहने लगे। संयोग से एक दिन उसके पिताजी उनसे मिलने गए, और जैसे ही उनके पिताजी उनसे मिलने गए तो देखा कि लोगों की भीड़ लगी है और भागवत कथा कह रहे हैं, और भागवत कथा का वाचन कर रहे थे वो। उसी समय उनके पिताजी पहुंच गए और वो बैठ करके उनकी भागवत कथा को सुनने के उपरांत वो उनके पास गए और उनसे निवेदन किया, कथा पर पहुंच गए, अब सीखने को कुछ बाकी नहीं है, अब जानने को कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ तो अल्पता आपके जीवन अभी भी है, कुछ रिक्तता आपके जीवन में अभी भी है, कुछ जानने बाकी आपको अभी भी है, कुछ जानना आपको अभी भी चाहिए। और ये जानने के लिए आपको जो इतना बड़ा ज्ञानी कहा कि सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार समाधि की प्रकाष्ठा पर पहुंच चुके सुखदेव ऋषि को उनके पिताजी उपदेश कर रहे हैं कि बेटा अब भी तुमको इस अवस्था में भी कुछ जानना चाहिए, और वो जानने के लिए तुम्हें किसके पास जाना चाहिए? जनक के पास जाना चाहिए। इतनी प्रकाष्ठा होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद भी कहा कि कुछ जानने को तुम्हें बाकी है, कुछ और जानना चाहिए। और हमारे जीवन में भी यही है, हम कुछ सीखें, उसको जाने, महापुरुषों का संसर्ग करें। एतद् देश पशुतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः, जो विशेष महापुरुष हैं, जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उनके साहचर्य करके, उनके साथ, उनके पास जाकर के उनसे कुछ सीखें, अपना अपना चरित्र सीखें, क्योंकि भारत का चरित्र बहुत ही उदात्त रहा है, आज से नहीं प्राचीन काल से, और आज वो चारित्रिक स्तर कहीं गिरा है तो उसके मूल में कहीं हम लोग हैं। आज छोटे छोटे बच्चे का जीवन इतना विषाक्त होता जा रहा है, स्कूल में पढ़ने वाले खुले खुले मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, न जाने कहां कहां हम पढ़ते हैं। और शिक्षा से मेरा भी जीवन, मैं भी शिक्षा से लगा रहा हूँ बचपन से, मैंने भी कई जगह एम्स और कई जगह मैं भी गया, कई उसमें कार्यक्रम में जाना हुआ, तो देखें जो विद्यार्थियों का जो जीवन जो होना चाहिए, जो शिक्षा उनके जीवन में होनी चाहिए, वो शिक्षा उनके जीवन में नहीं है। उनका चरित्र इतना गिरता जा रहा है, चारित्रिक तौर पर हम इतना भ्रष्ट होते जा रहे हैं कि आज आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी आज आदमी का चरित्र नहीं है। क्यों? चरित्र इसीलिए नहीं है हमारे पास कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। हमारे उद्घोष करते हैं उन्होंने, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानी नमानी कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, यानी यानी अस्मान् सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। वेद के ऋषि उद्घोष करते हैं कि जो जो हमारे अच्छे संस्कार हैं, जो जो भी हमारे अच्छे चरित्र हैं, उसका तुम पालन करो, उनका आचरण करो। अगर हमारे जीवन में भी कोई बुराई है, अगर हमारे जीवन में कहीं दोष है, तो उनको त्याग दो। इतने उदात हृदय के हमारे ऋषि लोग हुआ करते थे। लेकिन आज तो हम केवल शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते हैं कि लौकिक संपदा कैसे इकट्ठा करना है, धन संग्रह कैसे इकट्ठा करनी है, लेकिन जीवन जीने की चर्या, जीवन को कैसे जिया जाए, ये जानने की कोशिश नहीं करते। इस जीवन को हम कैसे जिए, इस जीवन को हम कैसे जीने का ढंग क्या है, उनको कैसे जिया जाए, कैसे जाना जाए, कैसे जीवन को जिया जाए, जीवन जीने की पद्धति क्या होनी चाहिए, हमारे जीवन में कहाँ से संस्कार आएगा, कहाँ से चरित्र आएगा,
जब उदात्त भाव जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा, जब तक आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा, तब तक आप जीवन तो जीते रहेंगे लेकिन जीवन के अर्थ को नहीं समझ सकते। अगर आप दूसरों को बदलना चाहते हैं, राष्ट्र को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बदलें, अपने जीवन को बदलें। तो मैंने कहा, मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी कि शीलवंत सबसे बड़ो इस संसार में जो शीलवान व्यक्ति है, जिसके पास सीखने की जिज्ञासा है, जिसके पास ये जिजीविषा है, ये महत्वाकांक्षा है कि हमको कुछ सीखना है, हमको कुछ जानना है जीवन के विषय में, उस अज्ञात रहस्य के विषय में जिसे जाना जा सकता है, जिसे समझा जा सकता है कि ये जीवन क्या है, जीवन की योग्यता क्या है, हम मनुष्य हैं, मानवीय संवेदना कैसे अर्जित किया जाए, मानवीय संवेदना को कैसे जिया जाए, ये जिस व्यक्ति के जीवन में आ गया, वो व्यक्ति इस ये योग्यता आदमी के जीवन में तभी आती है जब आदमी बिल्कुल सहज और सरल हो जाता है, जब व्यक्ति बिल्कुल शील वाला हो जाता है, विनम्र हो जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में निर्ममो निरंकार शांति अधिगच्छति, जो व्यक्ति निर्म है और जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार नहीं है, वो बाह्य जीवन में सुख का तो लाभ करता है और आंतरिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चरित्र की समीक्षा करे कि हमारा चरित्र क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन को देखे कि हमारा नैतिक दायित्व क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन में नैतिक मूल्य भी है क्या। जिस दिन आप ये विचार करने लगेंगे उस दिन आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर देव की एक पंक्ति, शील वन सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, इससे बड़ा रत्न संसार में कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के पास शील आ गया, जिस व्यक्ति के पास संस्कार आ गया, जिस व्यक्ति के पास चरित्र आ गया, वो व्यक्ति सबसे बड़ा है। तीन लोक की संपदा उसके पास है, दुनिया का सारा वैभव, सारा सब कुछ वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर आप संसार में लोक में सुख पाना चाहते हैं, तो लोक को जानना चाहते हैं, तो विशेष महापुरुषों का संसर्ग करके हमेशा अपने चरित्र का निर्माण करें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, एक श्रेष्ठ पुरुष बनने का कोशिश करें। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, बोलिए सदगुरुदेव की जय। समय भाव के चलते हम महापुरुषों के विचारों को सुनने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहे हैं, खुल करके उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। आइए अब हम श्रद्धेय संत श्री अभयदास जी से निवेदन करते हैं, 20 मिनट अपने उत्तम विचारों को हमारे बीच रखने की कृपा करें। श्रद्धेय संत श्री अभयदास।